मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी आप लोग रामदास जी द्वारा महावैराग्यवान संत श्री पलटू साहेब जी का भजन सुन रहे थे। पलटू साहब सदगुरु कबीर के बाद हुए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर के लिए श्री पलटू साहब के मन में अगाध श्रद्धा और निष्ठा रही है। अयोध्या में रहकर सबको वो लताड़ते रहते थे। आज भी पलटू साहब का अखाड़ा अयोध्या में बहुत प्रसिद्ध है। श्री पलटू साहब कहते हैं, को खोले भरम के बढ़िया हो सदगुरु बिना साहेब। बिना सदगुरु के अंदर जो भ्रम का फाटक लगा हुआ है, इस फाटक को कौन खोलेगा भला। हर आदमी भ्रम में जी रहा है। ये भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन शकुन अपशकुन टोना टामर ज्योतिष देवी देवता स्वर्ग नरक का भ्रम तो आदमी के मन में है, और इस भ्रम में गांव के देहात अनपढ़ जनता ही नहीं, गरीब कहलाने वाले लोग ही नहीं, शहर में रहने वाले बड़े बड़े धनवान और बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले भी सिर से पैर तक डूबे हुए हैं, क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले। जब सद्गुरु मिल जाते हैं जीवन में, तो जीवन में बहुत बड़ी घटना घटती है। जो हमें किसी एक एक विषय का ज्ञान कराता है, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, कोई और संगीत सिखाया, कुछ सिखाया, वो गुरु है। और सद्गुरु वह है जो मन की सारी भ्रांति को दूर करके सच्चा बोध आत्मज्ञान दे देता है, वह सद्गुरु है। जिसके ज्ञान से हमारे मन की सारी भ्रांति दूर हो जाती है, ऐसा ज्ञान देने वाला सद्गुरु है। हर आदमी को यह समझना चाहिए कि पूरी प्रकृति में कारण कार्य की एक व्यवस्था है, तत्वों के गुण धर्म है और नियम है। और जहाँ नियम होता है, कारण कार्य की व्यवस्था होती है, वहाँ चमत्कार नहीं होता। धर्म के क्षेत्र में हर मत मजहब के लोग अपने अपने गुरु के लिए अनेक प्रकार के चमत्कार जोड़ रखे हैं, और चमत्कार का अर्थ होता है केवल झूठाई। चमत्कार जैसी कोई चीज ही नहीं होती, चमत्कार छल कपट है, धोखा है, लोगों को ठगने का जाल है और झूठा है। चाहे किसी के नाम पर चमत्कार जोड़, कबीर साहब के नाम पर भी चमत्कार जोड़े गए हैं। कबीर साहब के ज्ञान से हिंदुओं के पंडे पुजारी पुरोहित और मुसलमानों के मुल्ला काजी, इन सब की रोजी रोटी मारी जा रही थी, क्योंकि कबीर साहब सबके धार्मिक पाखंड का खंडन कर रहे थे। ये मुल्ला मौलवी पंडे पुजारी और अनेक
ज्योतिषी तांत्रिक कहलाने वाले लोग जनता को लूट रहे थे। कबीर साहब ने सब का खंडन किया, तो उनकी शिकायत सिकंदर लोदी के पास की गई कि कबीर न हिंदू मानते हैं, न मुसलमान मानते हैं, न ईश्वर मानते हैं, न अल्लाह मानते हैं, न जात पात मानते हैं, न पूजा पाठ मानते हैं। इनके कारण से तो हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। उनकी बातें सुनकर सिकंदर लोदी ने कबीर साहब को सिपाहियों द्वारा पकड़वा करके मंगाया। बातचीत हुई। कबीर साहब तो निडर थे, किसी से डरना वे जानते ही नहीं थे। सिकंदर लोदी के सामने भी जो का त्यों खरी बात खरा सत्य कह दिए। सिकंदर लोदी नाराज हो गया, तो उन्होंने कबीर साहब को मरवाने के लिए अनेक उपाय किया। पहले तो एक पागल हाथी को शराब पिलाकर कबीर साहब सामने छोड़ दिए, लेकिन हाथी जब आया कबीर साहब के सामने सिर झुका करके बैठ गया। फिर कबीर साहब को हाथ पैर को बांधकर एक गहरे कुआं में गिरा दिया गया और ऊपर से पूरे कुएं को पाट दिया गया कि अब कबीर साहब मर जाएंगे। लेकिन देखते सिकंदर लोदी कि कबीर साहब तो सिकंदर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तब कबीर साहब के हाथ पैर को लोहे के जंजीर से बांधकर और बड़े बड़े पत्थर शरीर साथ बांधकर गंगा में डुबा दिया गया। कबीर साहब गंगा के धारा पर बैठ गए, कमल फूल पर। जब ऐसे भी नहीं मरे तब जैसे कसाई किसी बकरा को काटता है बोटी बोटी, ऐसे कबीर साहब के पूरे शरीर को काट डाला गया और एक हंडी में रख करके पका दिया गया। ऐसे जैसे लोग मांस पकाते हैं वैसे पका दिया गया। अब कबीर मर गए, लेकिन देखते हैं कबीर तो सिकंदर लोदी सिंहासन और बैठे हैं। अंत में सिकंदर लोदी हार गया। कितनी बढ़िया बात, लेकिन झूठ है सब, ऐसा नहीं हो सकता। ये चमत्कार कबीर साहब ने अपने लिए चमत्कार नहीं कहा, कबीर पंथियों ने कहा है। जितना गुरु लोग नहीं जानते उससे दस गुना गुरु के चेले लोग जानते हैं। और जो चेले होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, एक छोटी सी कहानी है। जैसे आपका एक गांव है, ऐसे एक बड़ा सा कस्बा था। कस्बा से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल नुमा था। वहाँ एक महात्मा झोपड़ी बना करके रहते थे और बड़े अच्छे त्यागी वैराग्यवान संत थे। उनके चेले लोग अपने गुरु की महिमा बढ़ा करके कहने लगे, हमारे गुरु जी रात में आकाश में उड़ते हैं। बात फैल गई तो गांव वालों ने सोचा भी कि हमने तो कभी गुरु जी को आकाश में उड़ते देखा नहीं है, और कहते हैं कि गुरु जी रात में आकाश में उड़ते हैं तो एक दिन देखना चाहिए। रात का समय हुआ, 10-11 बजे के बाद कुछ लोग गुरु जी के कुटी के बाहर जाकर एक झुरमुट में छिप गए। कहा देखो सावधान रहना कि गुरु जी निकलेंगे भी रात में और उड़ेंगे। आधी रात के बाद गुरु जी पेशाब करने के लिए कुटी से बाहर निकले। लोगों ने देखा, कहा फुसफुसाया, देखो अब सावधान रहना, अब निकले गुरु जी, अब आकाश में उड़ेंगे। उनकी फुसफुसाहट, उनकी हल्की आवाज़ गुरु जी ने सुना। गुरु जी ने पूछा, कौन है भाई, यहाँ क्यों आए हुए हो? लोग चुप। तो गुरु जी ने कई बार पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो?
तो उन लोगों ने कहा, महाराज हम आपके गांव वाले हैं, हमने सुना है कि आप रात में आकाश में उड़ते हैं, तो वही देखने के लिए आए हैं। तो गुरु जी ने कहा, भैया मैं उड़ता नहीं हूँ, चेले उड़ाते हैं मुझको। ये हर मत के चेले अपने गुरु को उड़ाते हैं, हमारे गुरु जैसे चमत्कारी, हमारे गुरु जैसे चमत्कारी, हमारे गुरु जैसे चमत्कारी। एक संत के लिए एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि एक महिला ने अपना अनुभव बताया था। मैं बहुत बीमार थी, उठना बैठना मुश्किल हो रहा था, दवाई चल रही थी, बीमारी दूर नहीं हो रही थी, मेरा जी घबरा रहा था। तो एक दिन कमरे में मैं अकेली थी, कोई घर वाले सब बाहर गए थे, तो मेरे सिरहाने पर गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ था। फोटो देख करके मैंने गुरु जी कहा, गुरु जी जिंदगी भर आपकी भक्ति करती रही और आज मैं बीमार हूँ, भक्ति नहीं कर पा रहे हूँ, गुरु जी मुझे इस रोग से छुटकारा दिलाइए। रो करके मैं विनय करने लगी, तो गुरु जी, मेरे गुरु जी फोटो से निकल कर बाहर आकर खड़े हो गए और कहे, बेटी तू घबराती क्यों है? गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी बीमारी दूर हो गया। गुरु जी फिर फोटो में समा गए, कितनी बढ़िया बात। उनके गुरु जी फोटो में समा गए, लेकिन समाज के में जो अन्याय हो रहा है उसको दूर नहीं कर पाए। झूठ है बिल्कुल, चाहे जिस गुरु के लिए लिखा हो। तो चमत्कार होता ही नहीं है सच्चे गुरु के ज्ञान के बिना। इस प्रकार के चमत्कार की झूठी बातें हर मत मजहब संप्रदाय में चल रहे हैं। श्री पलटू साहब कहते हैं, कोई खोले भरम केवड़िया हो सदगुरु बिना साहेब। बिना सच्चे गुरु के किसी के मन का भ्रम फाटक खुल नहीं सकता। गुरु कौन? गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु कहो सदगुरु कहो। सच्चे गुरु की दो पहचान होती है। पहचान क्या है? जिसका ज्ञान सही हो, और सही ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान में भ्रम नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार नहीं है, मिथ्या महिमा नहीं है, पाप काटने के लिए सस्ता उपाय नहीं है, जो ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, विश्व के जो सात्वत नियम है उसके अनुकूल है, तर्क युक्त है, विवेक युक्त है, वही ज्ञान सही ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान जिसके पास हो और साथ साथ उज्ज्वल चरित्र हो, वैराग्य हो, बस गुरु के पास सही ज्ञान हो और सही वैराग्य चरित्र हो, वह गुरु है। किसी जाति में, किसी मत में, किसी मजहब में हो, लाल कपड़ा में, सफ़ेद कपड़ा में, आपके कपड़ा में, किसी कपड़े में हो, कहीं भी रहता हो, कहीं भी जन्म हुआ हो, जिसका ज्ञान सही है, जिसका आचरण सही है, वो गुरु है, वही सच्चा सदगुरु है। ऐसे गुरु के पास जब जाएंगे तब हमारे मन के भ्रम का फाटक खुलेगा। अब भ्रम का फाटक खुलेगा तब भटकाव दूर होगा। दो प्रकार के भ्रम आदमी के जीवन में खास है और दोनों एक ही बात है। वो भ्रम क्या है? हमारा सुख हमसे कहीं अलग है। अब कुछ लोग उस सुख को संसार में खोज रहे हैं और कुछ लोग उस सुख को बाहर ईश्वर परमात्मा में खोज रहे हैं, और दोनों भटके हुए हैं। यदि संसार में सुख होता तो हर आदमी सुखी हो गया होता अब तक। जब से होश संभाले तब तक संसार पीछे तो दौड़ रहे हैं, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए और सब काम किए, कितना सुखी हुए आप?
क्या मन में संतोष आ गया, तृप्ति आ गई? मन के भीतर की जो जलन है, ये जलन समाप्त तो हो गई? लेकिन भ्रम, जैसे गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों में प्यासे हिरण को पानी का भ्रम होता है, बस धूप की लहरियां ऐसे चलती है, लगता है कि दूर कहीं पानी का सागर भरा हुआ है, धूप वहां पानी होता नहीं, केवल दिखाई पड़ता भ्रम से, ऐसे ही भ्रम होता है कि जवानी में सुख है, धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, बाल बच्चे में सुख है, खाने पीने में सुख है, देखने फिरने में सुख है, सब ये सब तो कर रहे हैं, कितना सुख मिला? गंभीरता से स्वयं विचारिए, यदि सुख मिल गया तो मन जल क्यों रहा है? टेंशन क्यों है मन में? भय क्यों है मन में? चिंता क्यों है मन में? ये सब व्यवहार की चीजें हैं, इनसे जीवन चलता है, निर्वाह होता है और सेवा होती है, इसलिए इनका उपयोग करना होगा। लेकिन सुख खोजोगे तो भटक जाओगे। दूसरा भ्रम क्या है? दुनिया में सुख नहीं मिला तो कुछ लोग दुनिया का त्याग कर दिए, होते हैं कि कोई आकाश में परमात्मा होगा। अच्छे अच्छे त्यागी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, परमात्मा को पाने के लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम, परमात्मा आपके हृदय में बसा हुआ है, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो दुनिया की वस्तुओं का प्रयोग करें, जिन लोगों के साथ रहते हैं सुंदर व्यवहार करें, और सेवा भक्ति द्वारा मन को शुद्ध कर लें, मन को पवित्र कर लें, अंतर्मुख कर लें। परमात्मा मिला हुआ है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया है उसके लिए हर समय परमात्मा मिला हुआ है, भटकने कहाँ है? देखो बाहर यहां जो बैठे हुए हैं, सगुण साकार परमात्मा, कबीर साहब के विचारों में परमात्मा बाहर भी है, परमात्मा भीतर भी है। लेकिन बात समझने की है, बाहर परमात्मा मतलब आकाश पाताल में नहीं है, ये धार्मिक स्थलों में नहीं है, ये बाहर परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है प्राणियों के रूप में, ये सगुण साकार है, जो खाता है, पीता है, बोलता है, चालता है, प्रणाम करो तो आशीर्वाद देता है, समय से प्रेम भी करता है, समय से गुस्सा भी करता है, समय से सीने में लगाकर प्यार भी करता, समय से गाल में चांटा भी लगाता, वही तो परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अब परमात्मा उसको मानते हो जो न खाए, न पिए, न बोले, न चाले, न प्रणाम करे, नमस्कार दे, न प्रेम करे, न गुस्सा करे, न रोए, न गाए, उसी को पूजते हुए आ रहे हो आज तक। कहते हैं सगुण परमात्मा है, कौन सा गुण है उसमें भला बताओ तो? गुण इसे यहाँ बैठे परमात्मा में है, प्राणियों में गुण है, ये सगुण परमात्मा है, इसकी सेवा। सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा यह है, कल सुबह शाम को बात आई थी, सबसे बड़ी सेवा यह है कि जानबूझकर किसी को तकलीफ मत दो। फिर जो सेवा कर सकते हो करो, सेवा धन से होती है, सेवा तन से होती है, वचन से होती है और मन से होती है। यदि आपके पास धन है तो धन से सेवा करें, जो गरीब बच्चे हैं उनको लिखा पढ़ा दें, गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी विवाह कर दें, गरीब है उनके लिए कुछ दवाई की व्यवस्था कर दें, कुछ लोक मंगल कालम हो वो कर दें, ये सत्संग हो रहा है ये भी एक प्रकार सहयोग है, तो धन सेवा धन से होती है। आप कह सकते साहब हमारे पास तो धन नहीं है, तो शरीर तो है ना, शरीर से सेवा करो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, कोई आपके बगल में कोई बूढ़ा है
कोई बीमार है, आप बाजार जा रहे हो, उसी के पैसे से कह दो कि बाबा जी मैं बाजार जा रहा हूँ या दादी माँ मैं बाजार जा रहा हूँ, कोई आवश्यकता तो नहीं है, उसी के पैसे से सामान खरीद करके ले आओ, सेवा हो गई शरीर से। बाजार जा रहे हो किसी बीमार के लिए, उसी के पैसे से दवाई खरीद करके ले आओ, तो शरीर से सेवा हो सकती है। आप कहोगे साहब हमारा शरीर तो कमजोर है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, शरीर में शक्ति नहीं है। वाणी तो है ना, बोलते तो है ना, मीठी बात बोलकर, प्रेम की बात बोलकर, ज्ञान की बात बोलकर के सेवा करो, आदमी को सही रास्ता बताओ। घर में बैठे हैं, आसपास के बच्चों को बुला करके बैठा करके पढ़ा लिखा दो, जहाँ बैठे हो ज्ञान की चर्चा करते रहो, जो कोई आ जाए ज्ञान की बातें बताते चलो, वाणी से सेवा हो जाएगी। आप कह सकते हो साहब हम तो बोलना भी नहीं जानते, तो ये सोचो बैठे बैठे मन से कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़ें, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और जो आदमी ऐसा नहीं सोच सकता, धन नहीं है कोई बात नहीं, शरीर में बल नहीं है कोई बात नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है कोई बात नहीं है, मन तो है ना, मन तो बीमार नहीं हुआ है, शरीर बीमार है, मन तो शरीर बूढ़ा हुआ है, मन तो बूढ़ा नहीं हुआ है, तो जहां बैठे हो, लेटे हो, रास्ता चल रहे हो, सदैव सोचते रहो कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, ऐसा सोचते चले जाओ, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और याद रखना, जो आदमी मन से भी अच्छा नहीं सोच सकता, उससे बड़ा अभागा और उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में और कोई नहीं है। एक आदमी धन का दरिद्र होता है और एक आदमी मन का दरिद्र होता है। धन का जो दरिद्र है उसे पैसा दे दो, उसकी दरिद्रता समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन मन की दरिद्रता मिटने वाली नहीं है। तो मन से दरिद्र तो न बनो, मन से तो धनवान बनो, अच्छी बात सोच करके, अच्छे विचार सोच करके, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ये सोचने में आपका आपका बिगड़ क्या रह जाएगा, क्या घट जाएगा। यदि ऐसा है, हर समय मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, तो हर समय परमात्मा मिला हो, तो ये सगुण परमात्मा है कबीर साहब का, जो खाता भी है, पीता है, बोलता है, प्रणाम करो, आशीर्वाद देता है। और निर्गुण परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है जी के रूप में, इसलिए कबीर साहब कहते हैं सरगुण निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, और सेवा जीवित प्राणियों की होती है, सेवा का आवश्यकता जानदार प्राणी को होती है, मुर्दे को नहीं होती। अब मुर्दे का हो जैसे समयाना है, निर्जीव है, इसको सुरक्षित रखना, व्यवस्था रखना, यह माइक है, इसकी साफ सफाई रखना, इसकी मरम्मत करना, इसको व्यवस्थित रखना, ये इसकी सेवा है। मकान में रहते हो, मकान में टूट फूट हो गई, मरम्मत करो, साफ सफाई करो, लिपाई पोताई करो, ये उसकी सेवा हो गई। लेकिन किसके लिए? मकान में रहने वालों के लिए। ये माइक की सेवा करोगे, माइक सफाई साफ रखोगे, मरम्मत करोगे, किसके लिए? बोलने वालों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए। तो सेवा जीवित प्राणियों की होती है। तो साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, जो सगुण परमात्मा है प्राणी और प्राणियों में मनुष्य, उनकी सेवा करो। धन से है धन से, तन है तो तन से, वचन से या मन से, जैसी सेवा बने, जिस समय सेवा बने, जैसी सेवा वैसी सेवा करो। निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सतरस्तम, ये तीन गुण हैं। जी में तीनों गुण नहीं है, निर्गुण मतलब क्या, सतरस्तम, ये तीनों गुणों से रहित जो आत्मा है, जीव है, उसका ज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूं। अपने को जानना सबसे बड़ी पहेली है, और अपने को जानना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हम दुनिया भर का ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन दुनिया के ज्ञान करने वाले का ज्ञान नहीं कर पाते। आखिर दुनिया का ज्ञान करने वाला कौन है? ये माइक है,
लेकिन माइक को जानने वाला कौन, माइक को माइक जान रहा है या माइक को जानने वाला माइक से अलग है? वो कौन है जो माइक को जान रहा है? वह कौन है जिसने माइक को बनाया? वह कौन है जो माइक का प्रयोग कर रहा है? वो आप हैं। अपने को जानते हो? और अपने को नहीं जाने तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। इसलिए निर्गुण जो आत्मा है उसका ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। साहब कहते हैं जब ध्यान करोगे तो न सेवा है न ज्ञान है। ध्यान क्या है? मन का पूरी तरह से शांत हो जाना, कोई याद, कोई स्मरण, कोई चिंतन, कोई विचार, कोई संकल्प, कुछ ना हो मन में, पूरी तरह से शांत हो जाना। जैसे आप रात में सोते हो, जब गाढ़ी नींद लग जाती है आपकी, तो ये पता नहीं चलता है कि मैं घर में सोया हूँ कि जंगल में सोया हूँ कि खाट में सोया हूँ कि जमीन पर सोया हूँ, कुछ पता नहीं। गाढ़ी नींद में सब भूल गए, क्योंकि वहाँ पर मन शांत है पूरी तरह से। एक आदमी है जिसका 20 साल का इकलौता बेटा मर गया है, जरा कल्पना करो, एक ही बेटा है और 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होगी? ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना, ना बोलना, ना किसी कुछ अच्छा, एकदम बेचैन बेहाल है वह, महादुखी है वह एक आदमी। और एक आदमी वह आदमी है जिसके घर में शादी के 15 साल बाद बेटा पैदा हुआ है, वो आदमी कितना खुश होगा? 15 साल बीत गए शादी हुए, अब जाकर बेटा पैदा हुआ है, कितना खुश होगा वो? लेकिन जब सो जाएंगे तब न उस आदमी के बेटे का दुख होगा, न उस आदमी बेटा पैदा होने का सुख होगा, क्योंकि मन शांत है बिल्कुल। वो सुख दुख से एक परे परम पद है वो, न वहां सुख है न दुख है, वही ध्यान है, क्योंकि मन शांत है। ये तो नींद की बात हो गई, नींद में मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, लेकिन जैसे जागते हैं फिर वही खुराफात शुरू हो जाता है। किंतु जागते जागते ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, साधना द्वारा, अभ्यास द्वारा, जब मन को शांत कर लिए पूरी तरह से, कोई विचार नहीं है, वहां आप हैं, केवल केवल आत्मस्थिति है, वो ध्यान की स्थिति है। ज्योति देखना, लोग ध्यान करते हैं, ज्योति देखते हैं, कहते हैं ज्योति दिखाई पड़ गया, परमात्मा मिल गया। अरे ज्योति तो तुम देखते हो, ज्योति देखने वाला बड़ा होता है, ज्योति बड़ी नहीं होती है। कुछ लोग नाद सुनते हैं, लगते हैं कि ब्रह्म तो नाद रूप है, नाद ब्रह्म कौन सुन रहा है? नाद नाद को नाद तुमको सुन रहा है या तुम नाद को सुन रहे हो? सुनने वाले तुम हो ना, तो जो सुनाई पड़ती हो चीज छोटी होती है, सुनने वाला बड़ा होता है। कोई लोग सांस देखते हैं, कोई लोग बिंदु देखते हैं, कोई लोग हृदय में बिंदु देखते हैं, कोई लोग कंठ में बिंदु देखते हैं, कोई यहाँ बिंदु देखते हैं, कोई यहाँ बिंदु देखते हैं। तो चाहे नाद सुनना, ज्योति देखना, बिंदु देखना, किसी का ध्यान कर और सांस देखना, ये सब क्रिया योग है, मन को रोकने का साधन है। इसकी आवश्यकता है ध्यान की शुरुआत में। ये गलत नहीं है, ये तो कम आने कबूतर है, कबूतर होता नहीं है, लेकिन बच्चों समझाने के लिए कम आने कबूतर टीचर समझाता है, और हमने कबूतर को पकड़ लिया, का को भूल गया, बस ज्योति को पकड़ लिए। मान लिया कि बस कितने गुरु ऐसे होते हैं, बैठाए देखो हम तुम्हें परमात्मा दर्शन करा दिए, बैठा दिए, यहाँ दबा दिए, दिखाई पड़ती का दिखाई पड़े, ज्योति दिखाई पड़े, बस तुम्हें परमात्मा मिल गया, भटका दिए। भरमाने वाले गुरु बहुत है दुनिया में, समझने की बात है। चाहे ज्योति देखो, चाहे नाद सुनो, चाहे बिंदु देखो, देख आप बड़े हो। साहब कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। जब ध्यान करोगे तो ना वहां सेवा है और ना वहां ज्ञान है, वहां केवल सत्ता मात्र ही, स्थिति मात्र है। तो कबीर साहब का सगुण परमात्मा ये मनुष्य प्राणी,
और निर्गुण परमात्मा भीतर सबके भीतर बैठा हुआ है, सब घट में रासायन सुनी से न को साहब कहते हैं। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा शिव जी का चित्र जिसमें दायां अंग पुरुष का होता है और बायां अंग स्त्री का होता है, एक ही चित्र है लेकिन दायां पुरुष, दायां भाग पुरुष का है और बायां भाग स्त्री का। उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। ऐसा महादेव हुआ या नहीं हुआ है, यहाँ देखो अर्धनारीश्वर महादेव बैठा, आधा में स्त्री आधे में पुरुष, ये अर्धनारीश्वर महादेव है। इनको छोड़कर अर्धनारीश्वर महादेव कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरा समाज महादेव है, आधा स्त्री आधा पुरुष, आधे बसे जो है आधे बसे पुरुष कहते हैं साहब, ये कबीर साहब हैं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जो है, आधे में स्त्री बसती है आधे में पुरुष बसता है, आधे में प्रकृति आधे में पुरुष है बस, ये अर्धनारीश्वर महादेव है, इनकी आराधना करना है। आराधना करने का मतलब बड़ों की सेवा आदर, परस्पर में प्रेम समता, छोटों के लिए इसने बस महादेव की पूजा हो गई। लेकिन ये भेद कौन बताएगा, गुरु बताएंगे। इसलिए श्री पलटू साहब कहते हैं को खोले भरम केवड़िया हो सदगुरु बिना साहेब, बिना सच्चे गुरु के मिले ये भ्रम का किवाड़ कहां से टूटेगा। इसलिए सच्चे गुरु की खोज करो, ये मत सोचो कि अमुक जाति में पैदा हुआ है वो बड़ा गुरु होगा, जिसका मठ बड़ा है वो बड़ा गुरु होगा, जिसका जो बहुत पढ़ा लिखा है वो बड़ा गुरु होगा, जो धनवान है वो बड़ा गुरु होगा, जो अच्छा प्रवक्ता लेखक वो बड़ा गुरु होगा, कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान सही हो और त्याग वैराग से ही हो वो गुरु है बस, चाहे जिस कपड़े में हो, चाहे जिस जाति में हो, चाहे जिस मत मजहब संप्रदाय में हो, ऐसे गुरु जब मिलेंगे तो मन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए होता इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सदगुरु मिले तो जाहे जी संशय भ्रम समुदाय, जो भ्रम बता दे वो गुरु कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु की तलाश, गुरु की खोज निष्पक्ष हो करके, ये मत सोचना कि हमारी परंपरा में जो लोग मानते हैं वो हम गुरु मानेंगे, न परंपरा की बात है न किसी मत पंथ की बात है, बात जीवन की है, बात सच्चाई की है। सत्य के उपासक बनना, सत्य के रास्ते पर चलना होगा तब कल्याण हो पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि सदगुरु के पास जाओ तो बिना सदगुरु पास जाओगे तो भ्रम का कपाट खोलेगा। एक बात और, आप अपने परिवार में रहते हो, अनेक रिश्तेदार हैं आपके, नातेदार हैं, कुल कुटुंबी हैं, अनेक मित्र हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जरा कल्पना करो आपके परिवार के किस सदस्य ने, किस मित्र ने, किस रिश्तेदार ने, किस नातेदार ने आपसे पूछा है कि तुम्हारा मन तो दुखी नहीं रहता भैया, सही ज्ञान तो तुम्हारे पास है ना, उद्देश्य जीवन का उद्देश्य परमार्थ की शिक्षा किसी ने दी है क्या। ये देने वाले संत होते हैं। दुख से कैसे बचा जाए, दूसरे छूटने का रास्ता क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, इसका बोध देने वाले संत और गुरु ही होते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। पद में आगे से पलटू साहब कहते हैं नैहर में रहनी कुछ गुणवान और सीख ली, ससुरे में जई हो फुहरिया हो। लड़की का जहाँ जन्म होता है उसका नैहर कहलाता है वो, और विवाह बाद जिस घर में वो जाती है वो ससुराल कहलाते हैं। यहाँ बाहरी बात नहीं है, बात मनोवृत्ति की है। हर आदमी के मनोवृत्ति के लिए चर्चा है, ऊपर से पंक्ति में भी नैहर क्या है, संसारिकता राग रंग मोह माया दुनियादारी, ये नैहर है। मतलब यदि घर गृहस्थी में रहते हुए आपने न सत्संग किया, न भक्ति किया, न सेवा किया, न अध्ययन किया, न लोगों से अच्छा व्यवहार किया, परमार्थ कैसे बनेगा आपका, परमार्थ ससुराल है। ये जो भौतिकता का क्षेत्र है ये नैहर है, क्योंकि सबका जन्म इसी पर होता है।
लेकिन यही लड़की जिंदगी भर नैहर में रहती नहीं है, विवाह बा ससुराल जाती है तब वो माँ बनती है। ऐसे जन्म भले नैहर में हुआ है, जन्म भले भौतिकता में हुआ है, लेकिन भौतिकता लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ससुराल परमार्थ, लक्ष्य है आत्मस्थिति। लेकिन जो व्यक्ति अपने व्यवहार को बिगाड़ा हुआ है, बिहार में बाहर क्षेत्र में न दया है, न क्षमा है, न प्रेम है, न सेवा है, न भक्ति है, न सरलता है, न विनम्रता है, न उदारता है, न सहनशीलता है, वो आदमी पूजा क्या करेगा, वो आदमी ध्यान क्या करेगा, वो आदमी साधना क्या करेगा। इसलिए अब कोई लड़की है, शादी के पहले कुछ सीखा नहीं है घर में, कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को सिखाते नहीं हैं। अब वो लड़की जब ससुराल बन जाती है तब क्या होता है, कहते हैं कहा चाहे व्यंग कहो चाहे हकीकत कहो, एक धनी परिवार की लड़की पढ़ लिख रही थी, भोजन बनाने का काम तो धनी परिवार में नौकरानी करती है, नौकर करता है, उसके माता पिता ने उसे, उसकी माँ ने या घर लगा ने उसे कुछ सिखाया नहीं बनाने के लिए। शादी हो गई, ससुराल गई, तो दो चार दिन बीता तो क्या हुआ भाई कि आज बहू रसोई में प्रवेश करेगी और बहू के हाथ से कुछ लोगों को खाने की मिलेगा। तो पूछा कि बेटी क्या बनाओगे, क्या माम खीर बनाऊंगी। अब वो कहीं बनाई तो थी नहीं, एक पुस्तक आती है पाक शास्त्र पुस्तक जिसमें क्या बनाना है सब लिखा रहता है कि कोई चीज़ बनाना है क्या क्या डालना कैसे करना है। ले ले दूध भी ले आया, सब कुछ ले आया और किताब भी रख ले, किताब में देख रही है, दूध चढ़ा दिया, चावल डाल दिया, सब पकने लगे, पंखा चल रहा था, काम भी गई, पन्ना उड़ गया, अब लिखा था निकल गया कढ़ी बनाना कैसे। वो तो समझ रहे थे कि बनाना खीर बनाना है, कढ़ी बनाना जब हो गया तब इसमें मिर्चा डाल दो, इसमें मेथी डाल दो, इसमें हींग डाल के बघार दो, सब ऐसे बना दिया, बहुत बढ़िया खीर बन गई। ये कहावत है, ऐसे ही जब आदमी घर में रह करके व्यवहार सुधारा नहीं है तो ससुराल परमार्थ कभी अच्छा बनेगा नहीं। कितने लोग कहते हैं साहब आजकल तो साधु लोग भी बहुत बिगड़ गए हैं। मैं कहता जरूर बिगड़े हैं, लेकिन याद रखना साधु कहाँ से आए हैं, आकाश से आए हैं कि आपके घर से आए हैं। कोई साधु आकाश से टपक करके तो आया नहीं है, वो साधु भी आपके घर में ही एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिया था, वही धीरे धीरे हुआ संस्कार बने साधु हो गए। लेकिन साधु होने के पश्चात उन्होंने बस केवल खाना पीने में ही लग गए तो सुधार कैसे होगा। जो आदमी घर में रहकर झगड़ा करता रहा साधु बनने बाद झगड़ा ही करेगा, याद रखना। जो आदमी घर में रहकर गुस्सा करता रहा, क्रोध करता रहा, वो साधु बनने बाद भी क्रोध ही करेगा। जो आदमी घर में रह करके लोभी था, पैसा पैसा पैसा, वो साधु बनने बाद भी पैसा पैसा ही करेगा। जब जाओगे ना कार्यक्रम कराने के लिए तो कहेगा पहले हमारे पास हमारे लिए इतनी दक्षिणा होनी चाहिए, एक दिन का किराया हमारा 10,000 किराया, तब तो दे जाओगे। बनियागिरी, क्योंकि बनियागिरी घर में कर रहा था ना वो। साधु भले हो गया है लेकिन लोभी लोभ छूटा नहीं, कपड़ा साधु हुआ है, शरीर का कपड़ा जो है वो सफेद कपड़ा है, अभी मन साधु नहीं हुआ है, क्योंकि मन अभी वही है। क्योंकि घर में रहकर यदि सुधार लिया, घर में रहकर सेवा किया होता, भक्ति किया होता, कुछ सरलता सीखा होता, तब तो साधु होने पर ये सब होता। लेकिन घर में कुछ सीखा ही नहीं है तो साधु होने बाद क्या सीखेगा, साधु होने बाद तो शुरू हो गई पूजा ही शुरू हो गई। ऐसे लोग निश्चित है साधु को भी आने जाने रेल मोटर का भाड़ा का किराया लगता है, अन्य खर्च लगता है, तो आप लोग कुछ ना कुछ देते हैं साधु को, और जितना देते हो उतना पर्याप्त तो होता है। लेकिन कोई साधु ये कहता है हमारा सत्संग करवाओगे तो 3 दिन में हमें 15,000 या 20,000 लेने का, वो बनियागिरी है, वो साधु नहीं है, साधु के नाम पर व्यापारी है।
और दुर्भाग्य से साधु नाम पर व्यापार खूब चल रहा है। जब चूंकि आप उसको खरीद करके लाए हो ना, अब जब साधु कहेगा, चूंकि वो पहले से ही तय कर लिया हुआ है इतना, और जब साधु कहेगा आदमी को लोभ छोड़ना चाहिए, तब आप कहोगे देखो हमें तो लोभ छोड़ने कहा था, अब अपना अपना खुद में लोभ में पड़ करके दक्षिणा देकर तय करके आए हो, आप पर प्रभाव क्या पड़ेगा? वो तो नैहर में रह ली, कुछ गुणवान और सीख ली, ससुरे में जैवे फुहरी यह हो। श्री पलटू साहब कहते हैं, तुमने घर में रह करके कुछ ज्ञान भक्ति नहीं सीखा, दया धर्म नहीं सीखा, सेवा त्याग नहीं सीखा, व्यवहार को अच्छा सुधारा नहीं, तो तुम्हारा परमार्थ कहाँ बनने वाला है? तुम कल्याण का काम क्या कर सकोगे? इसलिए मूल बात घर में ही रहकर सुधार करना शुरू करो। और घर में रहते रहते जब हो जाए कि मेरा मन काफी कुछ सुधर गया है, तब घर छोड़ो, तब अच्छा साधु भी बनोगे। जो अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता, अच्छा बेटा नहीं बन सकता, अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता, वो अच्छा साधु भी नहीं बनेगा। घर में रहकर जो प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता, वो मंदिर में जाकर बराबर पूजा भी नहीं कर सकता है। मूल कहां से शुरू है इसको देखना होगा। 5-25 संगले रह ले, ये 5-25 क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रियां और 25 प्रकृति। हर आदमी के पास, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, बूढ़ा बालक जवान हो, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। आंख से हम देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं, जीभ से स्वाद चखने का काम करते हैं, त्वचा से छूते हैं ठंडी गर्मी कठिन कोमल, और इनसे जीवन का व्यवहार होता है। लेकिन यदि सावधानी नहीं रखी गई तो यही ज्ञानेन्द्रियां हमारे लिए बंधन का, उलझन का कारण बन जाती है। देखना है लेकिन सही देखो, गलत में देखो, ऐसी चीज मत देखो जिसको देखने से मन में उत्तेजना आ जाए, विकार आ जाए, वासना बढ़ जाए। ऐसी बातें न सुनो, ऐसे गीत न सुनो जिसके सुनने से मन विकारी हो, उत्तेजित हो, और ऐसी चीज मत खाओ जिसे खाने से शरीर में गर्मी पैदा हो। ऐसी चीज न सुन, बहुत सुगंध दुर्गंध का, दुर्गंध कोई लेता नहीं है, इतना सुगंधित चीज का अभ्यासी न बनो कि शरीर में उत्तेजना आ जाए, और गलत चीज मत छुओ, बस जीवन में संयम हो जाएगा। सुनना तो है, जरा देखें। लोग कहते हैं महाराज हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, महाराज हमें ये नहीं मिला, महाराज भगवान ने तो लोगों को इतने इतना दिया, हमें पता नहीं हमारे साथ क्यों अन्याय कर दिया। ठीक, चलो मान लेते हैं, लेकिन प्रश्न यह है जो नहीं मिला है आपको, जो हमें नहीं मिला है, हम उसके लिए शिकायत कर रहे हैं, जो किंतु जो मिला हुआ है क्या उसका अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिला है उसका अच्छा उपयोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? एक आदमी है जिसकी आंखें ही नहीं जन्म से, वो सोचता है मुझे भी आंख मिली होती तो मैं भी दुनिया को देखता, क्या लाल है, क्या पीला है, क्या सफेद है, कैसे क्या गाय है, क्या बैल है, कैसे क्या है, इसको भी मैं देखता। वो तरस रहा है बेचारा, हमें तो आंखें मिली है, क्या सही उपयोग कर रहे हैं आंखों का? सही चीज जो देखना चाहिए वही देख रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, या जो देखना चाहिए वो देख रहे हैं? कभी सोचते हो? एक व्यक्ति बहरा है, सुन ही नहीं पाता, वो सोचता है मेरे कान होते तो मैं भी ऐसा सुनता। हमारे पास तो कान है ना, क्या सुनना अच्छा लगता है,
किसी की बुराई सुनना अच्छा लगता है या किसी की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है? जरा ध्यान तो दो। बुराई सुनने में इतना मजा आता है लोगों को कि क्या कहना, और प्रशंसा सुनने में आदमी 2 मिनट में घबरा जाता है। ऐसे हर बात को ले लो। तो जितना मिला हुआ है आपके पास, आपको उसकी तो याद करो। एक आदमी है, शिकायत करता है, महाराज क्या करूं, दिन भर मेहनत करता हूं, बस सूखी रोटी खाने को मिलता है। बंधु तुम्हें तो सूखी रोटी मिल गई, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सूखी रोटी भी नहीं मिल रही, उनसे अच्छे हो कि नहीं हो? हाँ, मेहनत करो, सूखी रोटी का मेवा मलाई भी खाओ, घी दूध भी खाओ, और जो खाना है सब खाओ खाओ, लेकिन जो मिला है उसमें यदि संतोष नहीं है तो जो नहीं मिला है उसमें संतोष कैसे हो जाएगा? इसलिए जो उपलब्ध है उसका अच्छा उपयोग, 5-25, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, आंख नाक कान जीव त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों को उपयोग करना होगा। लेकिन सही उपयोग करो और सर इन्हीं के बल पर एक आदमी कल्याण का काम, जिन्हें आप महात्मा कहते हो, जिन्हें आप संत कहते हो, जिन्हें आप सदगुरु कहते हो, उनके पास भी वही है जो आपके पास है। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिय के माय, फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वारे नाय। ज्ञानी और अज्ञानी, संसारी और सन्यासी, दोनों के शरीर में तत्व एक बार वही मिट्टी पानी आग हवा, इन्हीं से ज्ञानी का शरीर बना है, इन्हीं से अज्ञानी का शरीर बना है, इन्हीं से संसारी का शरीर बना है, इन्हीं से सन्यासी का शरीर बना है, और दोनों के भीतर एक समान जीव है। अंतर कहाँ है? नहीं इंद्रियन के माए, चाहे संसारी हो चाहे सन्यासी हो, वही आंख है, वही कान है, वही नाक है, वही जीभ है, वही चाम है, वही हड्डी है, वही मलमूत्र है, सब कुछ तो वही हाथ पर है। अंतर कहाँ है दोनों में? अंतर है बूझ में, समझ में, विवेक में। समझ हर आदमी के पास है। एक ने अपनी समझ का अच्छा उपयोग किया, सन्यासी बन गया। एक ने समझ का अच्छा उपयोग नहीं किया, संसारी बन गया। एक ने समझ का अच्छा उपयोग किया, ज्ञानी बन गया। एक ने अच्छा उपयोग किया, अज्ञानी बन गया। बात तो वही है। क्या जानते नहीं हम गलत? एक कड़वी बात याद आ गई, बात थोड़ी कड़वी है भाई, लेकिन कड़वी बात कहने से कभी कभी चोट लगती है और आदमी जगता है। महाभारत की कहानी आप सब जानते हो, महाभारत की पूरी कहानी कहाँ घूमती है? कौरव और पांडव के बीच में। कौरव नहीं रहेगा तो महाभारत नहीं होगा, पांडव नहीं रहेंगे तो महाभारत नहीं होगा। उसमें भी कौरव पांडव में भी युधिष्ठिर है और दुर्योधन है। एकाएक कोई व्यक्ति हमें और आपको, जरा कल्पना करो, कह दे कि तुम दुर्योधन के वंशज हो, ये बात सुन करके आपको गुस्सा आएगा कि खुशी होगी? किसी व्यक्ति को कह दो कि तुम दुर्योधन के वंशज हो, वो नाराज हो जाएगा कि तुमने मुझे कैसे कह दिया कि दुर्योधन के वंशज। लेकिन अब याद दिलाता हूं मैं, हर आदमी के पास समझ है, हर आदमी ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा बहुत तो जानता ही है ना। जितना जानते हो ये सही, उतने को पकड़ते चले जाओ, और जितना जानते हो ये गलत, उतने को छोड़ते चले जाओ।
आगे आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे रात का समय है, मुझे यहाँ से यात्रा करने है आगे के लिए, मेरे हाथ में एक टार्च है और टार्च का प्रकाश 20 फीट की दूरी तक जा रहा है, मुझे जाना है 5 मील की यात्रा में। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ जहाँ मुझे जाना है यहीं से दिखला दो तब मैं जाऊँगा, कोई उपाय है? 5 मील जहाँ जाना है मैं यहीं बैठे बैठे देख लूँ? क्यों 5 मील की यात्रा है भाई, अंधेरी रात कैसे मैं यात्रा करूँगा? लेकिन बंधु हाथ में प्रकाश है ना, टार्च है ना, जहाँ तक टार्च का प्रकाश जा रहा है वहाँ तक चलो, प्रकाश आगे बढ़ जाएगा। जितना चलते जाओगे प्रकाश आगे बढ़ता चला जाएगा, पूरे पूरा रास्ता प्रकाश में कट जाएगा। और चाहे यहीं दम देख लें तो यात्रा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो जो जानते हो गलत उसको छोड़ दो। अब खुद सोचो कि क्या क्या गलत है और समझ में आ जाए ये गलत है। गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, पराई निराई पर कुदृष्टि करना, किसी को धोखा देना, छलकपट करना, जुआ खेलना, शराब पीना, अंडा मांस मछली खाना, गुटखा सिगरेट खाना, ये गलत है, इसको छोड़ दो। जो जानते हो सही, सेवा करना, भक्ति करना, दया करना, क्षमा करना, प्रेम करना, विश्वास करना, ये चाहे इसको पकड़ लो, बस रास्ता काम हो जाएगा। अब जान रहे हैं गलत, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जान रहे हैं सही, पकड़ नहीं पा रहे हैं। यही बात महाभारत में दुर्योधन ने कही है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ, क्या सही है क्या करना चाहिए ये जानता हूँ, लेकिन जान करके कर नहीं पाता। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, क्या गलत है क्या पाप है क्या नहीं करना चाहिए ये जानता हूँ, लेकिन पाप को छोड़ नहीं पाता। धर्म को जानता हूँ, सत्य को जानता हूँ, धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता। अधर्म को जानता हूँ, पाप को जानता हूँ, अधर्म पाप को छोड़ नहीं पाता। और वही काम हम कर रहे हैं, जानते ही ये गलत छोड़ नहीं पा रहे हैं, जानते ही ये सही पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो दुर्धन के मनसज हुए कि नहीं हुए, जरा याद करो। जरा बात थोड़ी कड़वी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, नियम सबके लिए एक बराबर है। चाहे साधु चाहे गृहस्थ, नियम सबके लिए एक बराबर है। कि जो जान रहे हैं गलत छोड़ नहीं पा रहे हैं, जान रहे से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो समझना हम दुर्धन के वंशज हैं। दुर्धन वंशज कभी जीवन में शांति नहीं पाएगा, उसका तो विनाश होना ही होना है। गड़बड़ी यही हो रही है और गड़बड़ी छोटे से लेकर बड़े स्तर तक गड़बड़ी हो रही है। कल मैंने कहा था मंदिर में जाकर पूजा कर लेना, कोई नाम जपना, कोई पाठ जपना, कोई मंत्र जपना सरल है, कठिन है जीवन का आचरण, क्योंकि भ्रम टूट नहीं रहा है, आसक्ति आदत छूट नहीं पा रहे हैं। कल्याण कैसे होगा? इसके लिए आवश्यकता है सच्चे गुरु की, और जिसके उसके पास बराबर बैठने की, उनकी बात सुनने की, सत्संग की आवश्यकता क्यों है? जितना भोजन की आवश्यकता है जीवन में, उतने ही सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि बिना भोजन खाए हम जीवित नहीं रह सकते, तो बिना सत्संग के मन का भ्रम टूटेगा नहीं। लेकिन सत्संग वह है जहां सही निर्णय की बात बताई जाती है, किस्सा कहानी की बात नहीं। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, खाली किस्सा कहानी कह करके समाज समय बर्बाद कर दिया जाता है, लाखों की भीड़ होती है,
किस्सा कहानी, ये पूजा वो पूजा, ऐसा करो वैसा करो, ये कर लेना, बस महिमा की बात, यहाँ नहा लो वहाँ नहा लो, ये व्रत कर लो, ये त्याग कर लो, ये पूजा कर लो, पाप कट जाएगा, धोखा देने का काम हो रहा है। इसलिए सही निर्णय की आवश्यकता है। जो डॉक्टर मरीज को सही बात नहीं बता सकेगा वो डॉक्टर भटका हुआ है, और जो साधु समाज को सही बात नहीं बताता है वो साधु भी भटका हुआ है। डॉक्टर का काम है मरीज का सही इलाज करना, कभी समय से कड़वी दवा देना और कभी समय से मीठी दवा देना। दवा कड़वी भी होती है, दवा मीठी भी होती है, लेकिन जो डॉक्टर चाहता है कि मैं मीठी मीठी दवा देता रहूं और मरीज से मुझे फीस मिलती रहे, वो डॉक्टर के नाम पर कलंक है। जो साधु ये चाहता है कि मैं लोगों को मीठी मीठी किस्सा कहानी बात बताता रहूं और मुझे दान दक्षिणा मिलती रहे, वो साधु के नाम पर कलंक है। थोड़ी कड़वी बात जरूर है, समय से मीठी बात, समय से कड़वी बात। जैसे दवा कड़वी भी होती है, दवा मीठी भी होती है, दवा कसैली भी होती है, तीखी भी होती है, तब बीमारी दूर होती है। अब ये सोचना है कि हमें अपने मन की बीमारी दूर करना है या नहीं करना है। इसलिए कबीर साहब की जो बातें हैं कड़वी इसीलिए लगती है क्योंकि कबीर साहब सीधी बातें कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी ही है, ये जीवन हमें मिला है बहुत सौभाग्य से, दोबारा मिले या ना मिले कहा नहीं जा सकता। एक प्रश्न और, सब सुनते हैं अनेक जन्मों का सौभाग्य जब उदित होता है, अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार जब उदित होते हैं तब मानव जीवन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी की पंक्ति सबको याद होगी। यदि ये बात सच है, केवल गोस्वामी जी नहीं, कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरिन दूजी बार, और दुनिया के सभी संत कहते हैं कि मानव जीवन का पाना बहुत ही सौभाग्य का पुण्य का फल होता है, तो आप और हम सब महासौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम और आप मनुष्य हैं। कहीं भी जन्म लिए हों किसी घर में मनुष्य तो हैं, तो महासौभाग्यशाली हैं। लेकिन एक प्रश्न यह है, ये मानव जीवन कहा गया है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भवसागर तरने के लिए, भव बंधन काटने के लिए मिला है। भव बंधन तो छोड़ दो, भव बंधन काटने का काम तो कोई कोई कर सकता है, लेकिन जितना जीवन जिए हैं आज तक और जो कर्म जैसा किए हैं आज तक, तो जो जीवन जिए हैं, जो कर्म कर रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इसके आधार पर फिर से मुझे दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा? अरे मोक्ष का काम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, घर में रहकर ऐसा काम तो करो कि दोबारा जन्म फिर मनुष्य का ही तो मिले, पशु पक्षी खाने में ना जाना पड़े। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मानव जीवन पाने का अर्थ क्या होता है फिर? इसलिए इस जीवन को बहुत संभाल करके जीने की आवश्यकता है, और इसी के लिए आवश्यकता है सच्चे गुरु के पास जाने की, और सच्चे गुरु के पास जाकर के सही ज्ञान सीखने की, और सीख करके उस ज्ञान को जीवन में उतारने की, आचरण करने की। जितना जितना हमारी समझ साफ होती जाएगी, मन साफ होता जाएगा, भ्रम छटता चला जाएगा और ज्ञान का आचरण होता चला जाएगा, उतना उतना हमारा दुख दूर होता जाएगा, जीवन उपरता चला जाएगा और मानव जीवन मन पाना सार्थक हो जाएगा। आप और आप सब महासौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य का जीवन तो पाए ही हैं। सबके मन में भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, कल्याण की निष्ठा है, तभी इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। अब इस भक्ति भावना को और बढ़ाकर, मन को निर्मल बना करके सच्ची शांति, सच्ची प्रसन्नता, सच्चे आनंद का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।
बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।